के चलते आज लगभग हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। जब कभी मैं भ्रमण करता हूँ एक शिक्षक होने के नाते, तो देखता हूँ दो दो साल के बच्चे अनाथ ठहर रहे हैं। मानवर कहने की बातें हैं कि हम शिक्षा को सुधार रहे हैं, आपको हमें अगर कहीं भी थोड़ा भी मानसिक तनाव हो जाता है तो हम अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, पुरानी पेंशन के नाम पर शिक्षक लगातार आंदोलनरत है, उसकी नकल करके राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई। आज वित्तहीन शिक्षा का भी सदस्य महोदय ने बताया कि भुखमरी के कगार पर शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन्हीं तीन केंद्र बिंदुओं पर आपके उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। क्या लोग आत्महत्या कर रहे हैं? हम कल्पना कर सकते हैं कि वो शिक्षा में अच्छा अध्यापन क्या करेंगे? मानवर क्या एक मैच क्रूर मजाक बन के रह गया? मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो बिंदुवार शिक्षा मित्रों को कुछ मान दे करके पहले उनका दिमागी संतुलन ठीक, तब वो शिक्षा कार्य में लगेंगे। वित्तहीन शिक्षकों को इसी तरह एक निर्धारित मानदेय निश्चित करके उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करके ये काम करके आगे बढ़ा दें। इसी तरह पुरानी पेंशन में भी बड़ा दिल लगते हुए, बड़ा मन करते हुए इस कार्य को अगर कर दें तो मानवर मुझे लगता है कि जो ये कहावत कही गई है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है विकास के निर्माण की, तब शायद हम उसके लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम तो देखते हैं कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं जिनकी आबादी महज 30 करोड़ है, वो राफेल बनाते हैं। हमारी आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है, अभी हम पेंसिल में बच्चों की छाया चित्र बना रहे हैं और केवल समाज को धोखा दे रहे हैं कि सब पढ़े सब पढ़े। मानवर, इस पीठ के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अगर एक ही कुंजी हमारे पास है समाज को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, केवल केवल शिक्षा, तो क्यों ना इस पर हम विशेष ध्यान दें। और मैं समझ रहा हूँ वर्तमान सरकार का इन बिंदुओं पर शिक्षा से कहीं कोई लेना देना नहीं और उसकी गिरावट दर्ज करते हैं। MBBS की सीटों में मेरिट देखी जाती है कि भाई मेरिट के आधार पर MBBS बच्चा करे, आपने उसके अंक में गिरावट कर दिया। जिसके पास लाखों रुपए है वह कम मेरिट वाला दाखिला तो MBBS में ले लेता है, उससे ज्यादा वाला मेरिट छूट जाता है। मानो ऐसी व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के हम शिक्षा के स्तर को उठा सकते हैं। मैं सदन की कार्रवाई रोक करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध करता हूँ।